अब रुख कर लेते हैं राजस्थान एक्सप्रेस का। G20 का पहला सत्र 10:30 बजे से होगा शुरू। भारत मंडपम में होगा ये सत्र। 3 बजे से होगा दूसरा सत्र। G20 डिनर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन में होगा डिनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित किया जाएगा डिनर। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पीएम मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक 50 मिनट तक चली ये बैठक। भारत अमेरिका के बीच संबंध होंगे गहरे। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, लिखा G20 के लिए भारत में होना खास है। धौलपुर में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मेहताब गुर्जर की हत्या। मनिया कस्बे के बीच बाजार में बदमाशों ने मारी 8 गोलियां। G20 समिट के मद्देनजर रोडवेज बसों के रूट डायवर्ट। दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसें 7 सितंबर से 10 सितंबर रात 12 बजे तक गुरुग्राम तक चलेंगी। अंतर्राज्यीय बसों के भी रूट परिवर्तित करने के निर्देश। सीएम गहलोत का सीकर दौरा रद्द। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। G20 समिट को लेकर सुरक्षा कारणों की वजह से गृह मंत्रालय से नहीं मिली इजाजत। राजस्थान दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। 10 सितंबर को टोंक से होगा चुनावी शंखनाद। निवाई विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगी संबोधित। गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन निकली गोविंद देव जी की शोभा यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची मंदिर। गोविंद देव जी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के श्रीखाटू श्याम मंदिर के सामने एक चलती हुई कार में लगी आग। कार में सवार थे 4 लोग। स्पार्किंग से ये हुआ हादसा। नया बस स्टैंड के नजदीक एक दुकान में लगी भीषण आग। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। प्रियंका गांधी पहुंची रणथंभौर। परिजनों के साथ 3 दिवसीय रणथंभौर दौरे पर। दौरे के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 10 सितंबर को टोंक के निवाई में जनसभा को करेंगी संबोधित। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल भी आ सकते हैं जयपुर। मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक हिमाचल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। उदयपुर दौरे पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में महिला अत्याचार सहित कर्ज लेने के मामले में नंबर 1 है। कोटा में रिवर फ्रंट का उद्घाटन समारोह। शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल करेंगे उद्घाटन। चंबल के किनारे पर चंबल माता और नदी की सबसे बड़ी मूर्ति। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 7 घंटे में किया आरोपियों को गिरफ्तार। दौसा में ट्रक ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। टक्कर के दौरान 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। 2 पुलिसकर्मियों को किया गया जयपुर रेफर।